वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया एन के सीडीएसएल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट भी आप देखने वाले। तो सीडीएसएल स्टॉक की बात की जाए तो पिछले कई दिनों से आप गिरावट देखने को मिली है। कल हल्की सी रिकवरी देखने को मिली थी पर फिर से आज आप गिरावट का सामना करना पड़ा है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते 1394 पे यहाँ पे क्लोजिंग डे। आज के दिन में सीडीएसएल स्टॉक ने 13 पॉइंट नीचे क्लोजिंग डे 0.93% की गिरावट देखने को मिले। तकरीबन 1% की गिरावट होती हुई नजर आई है आज के दिन में। पहली बात तो गैप डाउन से ओपन हुआ 1400 लेवल पे, 1400 लेवल पे ओपन होकर 1400 लेवल को ही ब्रेकआउट दिया और वहां से गिरावट देखने को मिली थी। पर रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते 1490 लेवल के ऊपर यहाँ पे सेटल हुआ है देखा जाए तो यहाँ पे दोपहर के बाद। तो रिसेंटली देख सकते हो कि आज ओपन हुआ था 1400 लेवल पे, हाई बनाया था 1405 का और लो है आज का 1382.65 का। मार्केट कैप भी देख सकते हो तकरीबन 40.57,000 करोड़ का मार्केट कैप है और पी रेशियो देखा जाए तो 57.08 का है। तो पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में करीब 2% गिरावट देखने को मिले और 1 मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ में 5.23% की गिरावट हो चुके। तो सीडीएसएल के चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाले तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेली चार्ट पे हमें जो ब्लू कलर का लाइन दिखाई दे रहा है वो 200 मूविंग एवरेज। तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे आप देख सकते आज ओपन हुआ सीडीएसएल स्टॉक और वही से गिरावट देखने को मिले। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीडीएसएल स्टॉक आज ऊपर उठ जाता है फिर से तो वहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट होगा 200 मूविंग एवरेज और गिरावट होने के चांसेस दिखाई दे रहे। तकरीबन गिरावट होती तो नीचे 1300 लेवल तक भी आने के चांसेस दिखाई दे सकते सीडीएसएल स्टॉक के। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट सीडीएसएल स्टॉक के लिए।